गाइस मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हीरो की एजेंसी से, तो सबसे पहले करानी है मैंने सर्विस। वो पीछे खड़ी है मेरी बाइक, कितनी रही होगी। सर्विस कराते हैं फिर मिलते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद मेरे को तीसरा निकलना है। तो आज इस 4-5 घंटे का लंबा सफ़र रहने वाला है, ऑफ रोड है आपको पता ही है। तो ये देखे खुल चुकी है हमारी बाइक और अब सर्विस होगी, उसके बाद निकल जाएंगे एक लंबे सफ़र पर। तो गाइस अभी सर्विस करा के आ चुके हैं और निकल भी चुके हैं हम रास्ते में। अभी लगभग 20-30 किलोमीटर तो आगे भी आ चुका हूँ मैं। अब बस थोड़ा आते जाना है, घर जाना है, घर जाने की जल्दी लगी है। आगे कहीं रुकेंगे तो मिलाएंगे आपको। हम पहुंच चुके हैं चुराव वैली में और स्वागत हुआ ये देखे खतरनाक रोडों के साथ। चांजू नाले के पास पहुंच चुके हैं। ये देखे यहाँ पुल बन रहा था और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया था इधर से, तो इधर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखे रोड देखे ना, कसम से आज इतने दिनों बाद ऑफ रोड कर रहा हूँ। वाह, वो देखे थार जा रही है आगे। भाई साहब किधर से जाऊं मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। बहुत बुरा हाल है कसम से रोड का। ओहो, ऐसे ही स्वागत होता है मेरा जब मैं घर आता हूं इधर। हमेशा ऊपर स्नो भी दिख रही है वो देखे वैली में, और अब दिखाता हूँ ये देखे नीचे वो पुल की भी बड़ा बुरा हाल हो चुका है। बाकी इधर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और तगड़ा नज़ारा और खतरनाक पहाड़। ये देखे ऑफ रोड है गाइस। आज मैं घर भी आ रहा हूँ तो यही थार है, ये जिस भाई की थार है वो ऊपर पुलिस स्टेशन में काम करता है लगे मतलब। और यही थार थी उस दिन जब मैं वापसी मतलब चंडीगढ़ जा रहा था, जाते वक्त भी और आते वक्त भी देखे, गजब का इत्तेफाक है ना। और यही थार मेरे आगे चली है और मैं इनके पीछे, यार कसम से मजा आ गया, मजा। आज नकरोड मार्केट, ये गाइस नकरोड मार्केट है ये वाली, ये मतलब तोड़ दी गई थी पर लेकिन फिर बन गई है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये देखे 4 TC के धरधर भी चले हैं, बस उड़ाते हुए जहाज बना देते हैं बस का पायलट है हमारे। तो गाइस वो देखे सामने व्हाइट पहाड़ भी दिखने शुरू हो चुके हैं बर्फ से ढके हुए। अब तो मैं ट्रैक करूँगा कसम से। और फाइनली पहुंच चुके अपनी वैली में, चुरा वैली, वैली में वैली, चुरा वैली।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला में और वैली में वैली तो वैली और साथ में तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर स्वीट होम होम स्वीट लगभग 22-23 दिन के बाद और फोन स्टॉप हो गया था बाजार में और मैं रुका था 3-4 घंटे तो उधर हेलीपैड पे थोड़े से फोटो लिए वो दिखाऊंगा इंस्टा पे दिखेंगे वो फोटो आपको और बाकी मिलाना था अपने मित्रों के साथ बाजार में भी लेकिन फोन था स्विच ऑफ अभी चार्ज के और अभी मिला रहा हूं 5% से और ये अपने गैरेज में अभी यहां सीधा घर जाना है फिर तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली हम घर और अभी बस जा रहा हूं मिट्टी वाले मकान में ऊपर किचन में बाकी आज इतना अच्छा लग रहा है ना और नज़ारा देखे खूबसूरत थोड़ी क्या बोलते हैं बर्फ खत्म हो चुकी है ऊपर ऊपर दिख रही है पहाड़ों में एक बार दिखा देते हैं नज़ारा और ये मेरा कमरा कमरे में गया था अभी इधर ये देखे नज़ारा ऊपर बच रहा की धार में बर्फ बाकी खत्म हो चुकी है 18 दिन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा जब गया था तो बर्फ ही बर्फ थी तो गाइस घर तो पहुंच चुके हैं और घर आते ये देखें मौसम एक बार फिर करवट बदल दिए मौसम ने और मेरे को लग रहा है शायद स्नो पड़ जाएगी लग तो रहा है नेट भी बता रहा है ऊपर ऊपर तो पड़ रही है उधर की अंदर धार में देखे कैमरे के पीछे वो उधर इधर पड़ रही है गिलास और चाय पी रहा हूँ मैं शाम की चाय और साथ में क्या बोलते हैं घर पहुँच के सबसे पहले वो दुख की बात होती है लाइट आज भी नहीं है सुबह से शाम को आएगी 8-1 बजे तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और कल परसों का देखते हैं प्रोग्राम फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं अच्छी लगी तो करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और आने वाले ब्लॉग में यार तब तक के लिए बाय बाय और हम मिलते हैं जय हिंद तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।